आपके कितने बच्चे इस आंगनवाड़ी में आते हैं? चार। न कोई खेल न खिलौना, हर चीज की परेशानी है। तो आंगनवाड़ी है, ये तो आंगनवाड़ी कहाँ जो तो महिला मंडल है। ग्राम बटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 3 1995 से संचालित यह आंगनवाड़ी आज तक इन्हें आंगनवाड़ी प्राप्त नहीं है। आंगनवाड़ी भवन न होने के कारण समुदाय भवन में यह आंगनवाड़ी है, तो समुदाय के लोग भी वाद विवाद करते हैं। उस समय जब कोई सामाजिक कार्यक्रम या सामूहिक कार्यक्रम होने जाता है तब आंगनवाड़ी बंद करनी पड़ती है और सामान बांध के रखा ही रहता है कि कब इनको यहाँ से निकलना पड़े। यहाँ बच्चे कितने हैं आपके पास? स्टेज बच्चे जो हैं, बच्चे हैं 0 से 5 साल के 125 बच्चे हैं। गर्भवती महिलाएं कितनी हैं? गर्भवती महिलाएं 10 और शिशुवती 12। जो लेखा रहा, जो खाता, यही चाहती है कि हमारे आंगनवाड़ी भवन बनवाया जाए, जो कि अभी नई नियुक्तियां हुई हैं, नई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, तो उनका भवन बन चुका है सरकारी भवन आंगनवाड़ी। आपके बैठने उठने के लिए अधिकारी आ जाए तो उनके लिए कोई बैठने उठने का नहीं, सामान? कुछ कुर्सी टेबल नहीं है, न रिकॉर्ड रखने के लिए कोई अलमारी वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए सब क्या है खुद का व्यक्तिगत रखे हैं कुर्सी टेबल। जब अधिकारी लोग आते हैं तो उनको निकाल देते हैं, नहीं तो व्यवस्थित रखा रहता है कि टूट ना जाए। हम तो जमीन पर बैठते हैं। कोशिश तो की है लोगों ने भी, यहाँ पटवारी जी ने जो जगह नाप दी है और बता दिया कि यहाँ आंगनवाड़ी बनाओ, लेकिन शासन से पैसे ही नहीं आ रहा, राशि नहीं आ रही, तो वो डला है, जगह डली है। और मंजूरी आ गई है? हाँ, मंजूरी तो आ गई। मंजूरी कब आई थी, कितने महीने हो गए? मंजूरी आई थी 1 साल से ज्यादा हो गए। देखने वाले श्रोताओं से मेरी अपील है कि मेरे साथ इस समुदाय की समस्या हल करने की कोशिश करें और अधिकारी को फोन करें। हमारे ब्लॉक के महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं, जिनका नाम है श्रीमान शिवराय जी, जिनका फोन नंबर है 77 46 88 78 51। मैं आरती वाल्मीकि भटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए।